हेलो एवरीवन, सो आज के वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर अ लेटर टू अ टीचर बाय द स्कूल ऑफ बारबियाना। अब इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्सों के अंदर में बांटा हुआ है जिससे कि हमें ये क्लियर कट पता लग सके कि किस पोर्शन के अंदर में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और शुरू में ही मैं आपको ये जो जितने भी मैंने हिस्सों के अंदर में इस वीडियो को डिवाइड किया है वो आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि इस वीडियो के एंड तक में आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड किन किन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को हमने डिवाइड किया है चार हिस्सों के अंदर में। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ओवरव्यू, जिसके अंदर में हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब कि हम इस पूरे चैप्टर को ब्रीफ के अंदर में समझने की कोशिश करेंगे, 2-3 मिनट के अंदर में इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि जब हम इसके मेन टेक्स्ट को पढ़ें तो उस समय हमें कोई ऐसा कुछ अनजान सा ना लगे उस टेक्स्ट के अंदर में, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर में ऑथर के बारे में कुछ बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद फिर हम टेक्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे और उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं कहीं समझने वाली उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एंड में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्ज़ाम के अंदर में आ सकते हैं या फिर जो पिछले साल के एग्ज़ाम्स के अंदर में आए हुए हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं पहला पार्ट इसका जो कि है ओवरव्यू। तो अगर इस चैप्टर को शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करना हो तो इसके अंदर में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो चैप्टर है अ लेटर टू अ टीचर बाय द स्कूल ऑफ बारबियाना, ये अपने आप में कोई बुक नहीं है या कोई अपने आप में कोई इंडिविजुअल क्रिएशन या कोई वर्क नहीं है, मतलब कि ये कोई खुद में लिखी ना कोई बुक है ना ये ओरिजिनली लिखी हुई कोई लिखा हुआ कोई एक चैप्टर है। बेसिकली है क्या कि एक बुक है अ लेटर टू अ टीचर बाय द स्कूल बॉयज ऑफ बारबियाना, ठीक है। उसी बुक में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाल के, उसी बुक में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल के हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर में दिया हुआ है जिसे हमने पढ़ना है, ठीक है। तो इसका इंडिविजुअली कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस चैप्टर का। ये चैप्टर इस पूरी की पूरी बुक जो कि अ लेटर टू अ टीचर बाय द स्कूल ऑफ बारबियाना है उसमें से निकाला हुआ एक एक्सट्रैक्ट है जिसका नाम भी यही रखा गया है टेक्स्ट बुक के अंदर में, अ लेटर टू अ टीचर बाय द स्कूल बॉय स्कूल ऑफ बारबियाना, राइट। अब ये जो बुक है अ लेटर टू अ टीचर, जो ओरिजिनल बुक है अ लेटर टू अ टीचर बाय द स्कूल बॉयज ऑफ बारबियाना, उसे 8 इटालियन लड़कों ने लिखी है, ठीक है। यानी कि 8 इटालियन लड़के थे जो कि फ्लोरेंस में रहते थे, ठीक है। उन्होंने अपने एक टीचर जिनका नाम था लॉरेंजो मिलानी, उनकी हेल्प से ये बुक लिखी, अ लेटर टू अ टीचर वाली ओरिजिनल बुक, राइट। अब आगे बढ़ने और ये बुक लिखने में अ लेटर टू अ टीचर उन्हें लगभग 1 साल का टाइम लगा। तो बारबियाना ना कोई स्कूल है ना ही कोई टाउन है। तो बारबियाना है क्या? बारबियाना बेसिकली इटली में एक जगह है टस्कैनी, उस टस्कैनी के अंदर में एक और एक इलाका आता है जिसे बोलते हैं मकैलो रीजन, MUQELO रीजन, ठीक है। अब इस मकैलो रीजन के अंदर में कुछ हिल्स है और उन हिल्स के अंदर ही अ कम्युनिटी ऑफ 20 फार्म हाउसेस है, ठीक है। यानी कि 20 फार्म हाउसेस की एक कम्युनिटी है जो एक साथ रहते हैं। तो उसी 20 फार्म हाउस की कम्युनिटी को बारबियाना बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया अब यहाँ पे कि बारबियाना किसे है, बारबियाना किसे कहा गया है, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि कंफ्यूजन होती है कि बारबियाना किसी जगह का नाम है या सेकंडली कि कहीं जिस स्कूल के अंदर में वो पढ़ते हैं उसी स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ बारबियाना। जैसे कि इंग्लैंड के अंदर में अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटेन या यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, या जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब के अंदर देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, या दिल्ली के अंदर देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उसी तरीके से इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये बेसिकली कोई एक स्कूल का नाम नहीं है, ये 20 फार्म हाउसेस की कम्युनिटी है उसका नाम है बारबियाना। वहीं पे एक स्कूल है जिसे इन्होंने स्कूल ऑफ बारबियाना कहकर रेफर किया है। तो इस बुक के अंदर में जो ओरिजिनली लिखी गई थी उसके अंदर में जो ऑथर है, अब एक चीज आप यहां पर ध्यान रखना कि जब कभी भी मैं यहां पर कहूं आई, यानी कि जब मैं ऑथर को रेफर कर रहा हूँगा, ऑथर के बारे में बता रहा हूँगा, और जहाँ कहीं भी मैं यूज़ करूँगा आई यानी कि मैं,
तो उस जगह पे मैं किसी एक पर्सन के लिए आई का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं उन 8 के 8 लड़कों के लिए आई का इस्तेमाल कर रहा हूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इस जो बुक है लेटर टू अ टीचर, जो ओरिजिनल बुक है, इस बुक के अंदर में उन्होंने कुछ चीजें एनालाइज की है। तो उन्होंने उस बुक के अंदर में बेसिकली एक जो इटालियन एजुकेशन सिस्टम है उसको एनालाइज किया है, और उससे रिलेटेड जो कुछ भी कंप्लेंट्स थी, जो कुछ भी उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स थी, उन कंप्लेंट्स के बारे में उस बुक के अंदर में लिखा है। फॉर एग्जांपल, उन्हें इस चीज़ से दिक्कत थी कि जो इटालियन एजुकेशन सिस्टम है, जो वहाँ पे स्कूल्स है, उसके अंदर में क्लास के बेसिस के ऊपर जो है एक डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है, तो जो एटीट्यूड था उनके टीचर्स का टुवर्ड्स द क्लास, उसको उन्होंने उसके अंदर में मेंशन किया है। अब इसको हम दो तरीकों से देख सकते हैं। पहली चीज हम ये देख सकते हैं कि एक पूरी की पूरी क्लास है बच्चों की, ठीक है, जैसे कि 10th class, 9th class, 8th class ऐसे होता है, पूरी की पूरी क्लास है बच्चों की। अब उस क्लास के अंदर ही हमें दो क्लास मिलेगी। पहली क्लास जो सोसाइटी की अपर क्लास है, यानी कि जो रिच पीपल है उनके बच्चे हैं, दूसरी जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि अच्छे घरों से नहीं आते हैं, जिनके माता पिता या तो फैक्ट्रीज में काम करते हैं या लेबर का काम करते हैं या तो खेती करते हैं, उस टाइप के। ठीक है, तो उस पूरे क्लास के अंदर में दो टाइप के क्लास है। तो वो जो दोनों क्लासेस उस क्लास के अंदर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके तरफ टीचर्स का कैसा बिहेवियर है, उस चीज को इन्होंने इसके अंदर में मेंशन किया है। सेकेंडली, उन्होंने बिहेवियर ऑफ टीचर्स, जैसा कि बिहेवियर टुवर्ड्स क्लास हो गया, फिर बिहेवियर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के साथ उनका कैसा बिहेवियर है, उस चीज को रेफर किया है। फिर उन्होंने रेफर किया है कि लैंग्वेज ऑफ टीचर्स, कि टीचर्स किस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, उस चीज को रेफर किया है। फिर और बहुत सारी जो दिक्कतें आती हैं बेसिकली पुअर जो स्टूडेंट्स हैं, उस चीज को भी उन्होंने उसके अंदर में रेफर किया है। तो जब पूरे बुक का एनालिसिस हम देखते हैं, तो उसके अंदर में एक तो ये एजुकेशन, इटालियन एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने रेफर किया है जो कि प्योरली अगेंस्ट द पुअर स्टूडेंट्स है। ठीक है, सेकेंडली उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं अपने जो भी इटालियन एजुकेशन सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस बुक के थ्रू, ताकि वो रिफॉर्म्स लेकर आ सके अपने सिस्टम के अंदर में, जिससे कि ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, जो कि गरीब लोगों के अगेंस्ट है, जो कि गरीब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो कि गरीब बच्चों को आगे बढ़ने से रोकता है, उसके अंदर कुछ सुधार किए जा सके और इस एजुकेशनल सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा तीसरा, उन्होंने कुछ मेथड सजेस्ट किए हैं इस बुक के अंदर में, जो कि वो अपने खुद के स्कूल के अंदर में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उनका खुद का स्कूल कौन सा, द स्कूल ऑफ बारबियाना। अब ये जो स्कूल ऑफ बारबियाना था, इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली क्या हुआ ना, कि एक पैरिश प्रीस्ट थे, पैरिश यानी कि पर्शिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर पर्शिया नहीं सुना होगा तो फारस सुना होगा, एक जगह का नाम है फारस, जो कि आज के टाइम में जिसे हम इराक बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से एक प्रीस्ट आए थे इस रीजन के अंदर में, और उन्होंने फिर इस स्कूल को शुरू किया। और इस स्कूल की खास बात क्या है कि इस स्कूल में क्या होता है कि मान लो कि इस साल एक बैच पढ़ रहा है, तो अगले साल जो उनसे जूनियर आएगा, जूनियर बच्चे जो आएंगे, उनको यही वाला बैच पढ़ाएगा। यानी कि इसके अंदर में टीचर्स का उस तरीके से रोल नहीं है, इस स्कूल के अंदर में जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वही टीचर का रोल प्ले करते हैं अपने जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके से ये स्कूल जो है वो चलता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बुक है वो 8 पुअर यंग इटालियन बॉयज ने लिखी है, लेकिन ये बुक सिर्फ उन 8 बॉयज की प्रॉब्लम को नहीं बताता है। ठीक है, इस बुक के थ्रू वो जितने भी वर्कर्स हैं या पीजेंट्स हैं उनके एंगर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि जो वर्कर्स हैं, जो वो पीजेंट्स हैं, वो ये सोचते हैं कि जो मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या जो रिच क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिच हैं, उनके माता पिता अच्छी सैलरी कमाते हैं, वो अच्छी फैसिलिटी उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, उसी कारण वो अपने स्कूल के अंदर में अपने टीचर्स के फेवरेट बन जाते हैं। ठीक है, और टीचर्स उनको फेवर करता है, ना कि जो पुअर स्टूडेंट्स जाते हैं वहां पे, जिससे कि जो उनके बच्चे हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है। राइट, तो ये बुक उन सबके एंगर को रिप्रेजेंट करते हुए लिखा गया है। ये जो बुक है वो लिखा गया है फॉर द
पेरेंट्स ऑफ द इटालियन पुअर चिल्ड्रन। अब ये जो लेटर टू अ टीचर, ये जो बुक है, इसे इटली के अंदर में बेस्ट सेलर बुक का भी अवार्ड मिल चुका है। मतलब बेस्ट सेलर बुक यानी कि वो बुक जो सबसे ज्यादा बिकी हो, और उसके बाद फिर ये जो बुक है ये कई सारी लैंग्वेजेस के अंदर में पब्लिश हुई है, इसकी ट्रांसलेशन बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर में हुई है। तो ये जो बुक है ये बहुत ही एक पावरफुल बुक है, जो कि उस पूरे के पूरे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जितनी भी कमियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को लोगों के सामने लेकर आ रही है। और बहुत ही इम्पैक्ट रहा था इस बुक का इटली के अंदर में और बाकी जगहों पर भी, क्योंकि जब मैं आपको ये पूरा का पूरा ये लेटर सुनाऊंगा तो एक बार के लिए आपको भी बहुत बुरा लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि जब हम इस बुक को पढ़ रहे होंगे, इस टेक्स्ट को पढ़ रहे होंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि मतलब कोई हमारी बात ही सामने रख रहा है। जो प्रॉब्लम्स हमें आज के एजुकेशन सिस्टम से है, वही प्रॉब्लम इन 8 जो यंग बच्चे हैं उन्होंने उस समय रिप्रेजेंट की थी, ठीक है। हमें ऐसा लगेगा कि कोई हमारी बात ही बोल रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल महसूस करेंगे हम, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिलेटेबल महसूस किया था। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अगर लगे आपको भी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर में ज़रूर बताइएगा कि इस टेक्स्ट के अंदर में जो कुछ लिखा गया है उससे आप कितने ज़्यादा एग्री करते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। तो अबाउट द ऑथर के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे पहली चीज़ कि 1967 के अंदर में 8 स्टूडेंट्स जो कि स्कूल ऑफ बारबियाना के थे, उन्होंने ये बुक पब्लिश की, उन्होंने ये बुक लिखी और उसके बाद पब्लिश की, जो कि बहुत ही जल्दी एक बेस्ट सेलर बुक बन गई। सेकेंडली, ये जो बुक लिखी गई थी वो सिर्फ इन 8 स्टूडेंट्स ने नहीं लिखी थी अकेले, इन्होंने अपने टीचर जिनका नाम था लोरेंजो मिलानी, उनकी हेल्प से इस बुक को लिखा, और इस बुक को लिखने में उन्हें 1 साल का टाइम लगा। इस बुक के अंदर में जो स्टूडेंट्स ऑफ बारबियाना थे, स्कूल बॉयज ऑफ बारबियाना थे, उन्होंने जो क्लास बायस है, क्लास बायस मैंने आपको पहले समझाया कि एक रिच क्लास, एक पुअर क्लास, ठीक है। तो ये जो रिच क्लास और पुअर क्लास के बीच में जो बायस है टुवर्ड्स द रिच क्लास, यानी बायस टुवर्ड्स द रिच क्लास, यानी का मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस चीज को ध्यान में रख के हो रहा है कि रिच क्लास के लिए क्या अच्छा है, उसके अंदर में गरीबों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो इस बुक के अंदर में इन्होंने एनालाइज किया और एग्जामिन किया क्लास बायस ऑफ पब्लिक स्कूल्स। पब्लिक स्कूल्स में यहाँ पे ये भी चीज देखने वाली है कि प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं हो रही है, पब्लिक स्कूल्स की बात हो रही है। पब्लिक स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल, और गवर्नमेंट स्कूल यानी कि ये रेफर करता है कि गवर्नमेंट जो कि सबके लिए बराबर होनी चाहिए, जो कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, उसका ही एक इंस्टीट्यूशन लोगों के साथ बायस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस बुक के अंदर में क्लास बायस को एग्जामिन करते हुए वो हर एक तरीका बताया, चाहे वो इनडायरेक्ट तरीका हो या डायरेक्ट तरीका हो, जिससे कि गरीब लोगों के बच्चों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, राइट। तो ये था अबाउट द ऑथर। बेसिकली इसके अंदर में हमने क्या पढ़ा ना कि ऑथर कौन थे, 8 स्टूडेंट्स जिन्होंने लोरेंजो मिलानी की हेल्प से ये बुक लिखी थी। अब लोरेंजो मिलानी के बारे में ही हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो बेसिकली लोरेंजो मिलानी एक यंग प्रीस्ट थे, जो कि बेसिकली रहने वाले कहाँ के थे, कैलेंजानो, एक जगह है वहां के रहने वाले थे। तो इन्होंने कैलेंजानो के अंदर में एक नाइट स्कूल शुरू किया था, और यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते फिर इन्हें इस चीज पढ़ाते पढ़ाते इन्हें बेसिकली एक्सपीरियंस हुआ पढ़ाने का। और एक और चीज इन्होंने समझी कि एक बहुत ही सेट करिकुलम की जरूरत है, एक बहुत ही सेट सिलेबस की जरूरत है, जिसे डिजाइन करके बच्चों को पढ़ाया जा सके, जो कि इनके लिए सूटेबल हो। उसके बाद बहुत कुछ हुआ होगा इनके साथ, और उसके बाद वो फिर क्या हुआ कि वो बारबियाना आ गए। बारबियाना में ये आए और इन्होंने 10 पीजेंट्स के साथ में एक स्कूल शुरू किया, ठीक है। ये बेसिकली 11 से 13 साल के बच्चे थे जिनको इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। शुरू में इनका नंबर 10 था, कुछ टाइम में इनका नंबर 20 हो गया, और उसके बाद ऐसे ही इनका नंबर बढ़ते गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल सिस्टम में क्या होता था, जो कि सीनियर होते थे वही अपने जूनियर्स को पढ़ाते थे, तो ये इनका सिस्टम था। और इस स्कूल के अंदर में सिर्फ ये सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं करते थे, सिलेबस के साथ साथ इनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है या दूसरी और बातें जो इनके दिमाग में आती थी, उन सारी बातों के बारे में भी डिस्कस करते थे। मतलब कि सिर्फ ये एक सिलेबस बाउंड स्कूल सिस्टम नहीं था, सिलेबस बाउंड एक पूरा का पूरा सेटअप नहीं था, इसके अंदर में
नॉलेज के ऊपर फोकस किया जाता था, वो नॉलेज चाहे कहीं से भी आए। कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द ऑथर के बारे में। तो अब तक हमने दो पार्ट इसके कवर कर लिए। पहला पार्ट जिसमें हमने इसका ओवरव्यू देख लिया। अब एक चीज और कि जब आप ओवरव्यू, अगर जिसको मैं ओवरव्यू कह रहा हूँ उसको आप कॉन्टेक्स्ट मान के भी चल सकते हो। तो अगर इस चैप्टर का आपको कॉन्टेक्स्ट पूछता है कोई, तो आप इसमें ये जो हमने ओवरव्यू के अंदर में डिस्कस किया है आप उसको ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर में एज इट इज मेंशन कर देना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स उसके अंदर पुट कर देना टेक्स्ट में से, और उसके बाद ही आपका काम चल जाएगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर, जो कि है टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन। अब मैंने आपको इस पहले ही बताया था कि जहां कहीं भी मैं आई का इस्तेमाल करूं वहां पे आपने इन 8 स्टूडेंट्स को रेफर करना है, या फिर कहीं कहीं पे आप इसको जहां पे आपको सूटेबल लगे आप पूरे के पूरी उस पुअर जो कम्युनिटी है, पूरी के पूरी जो पुअर क्लास है सोसाइटी की, आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। सेकेंडली एक और चीज का ध्यान रखना, जहां कहीं भी मैं यू का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, वहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि मैं जितने भी टीचर्स हैं उन सारे टीचर्स के लिए यू का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस टेक्स्ट के अंदर में यही चीज है कि आप जहां टेक्स्ट में जहां भी यू का इस्तेमाल है वहां पूरे के पूरे टीचर्स के लिए है, और जहां कहीं भी आई का इस्तेमाल है वहां पूरे के पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है जो कि पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को कैसे करेंगे, तो बेसिकली ये एक लेटर है जो कि स्कूल ऑफ बारबियाना के स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स को लिखी है। तो मैं इसे एक लेटर की तरह ही आपको सुनाऊंगा। आप अपना पेन पेंसिल जो कुछ भी आपका है वो साइड रख के आराम से बैठ जाइए, और मैं इसको आपको एक लेटर की तरह समझाऊंगा। जहां कहीं भी मुझे लगेगा कि कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है उस जगह पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप चाहे वो चीज नोट डाउन कर लेना, या उसकी भी जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो इस पूरे के पूरा टेक्स्ट को मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स के अंदर में डिवाइड किया है। अब मैं आपको कंप्लेंट नंबर 1, कंप्लेंट नंबर 2 करके ऐसे नहीं बताऊंगा इसके अंदर में, क्योंकि फिर लेटर का मजा खराब हो जाएगा। तो ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर में टेक्स्ट दिख रहे हैं इसके अंदर में कंप्लेंट नंबर 1, कंप्लेंट नंबर 2 करके मैंने इस लेटर को डिवाइड किया है। आप वहां से पढ़ लेना जब मैं आपको ये पूरा का पूरा लेटर पढ़ा दूं। तो एक बार ध्यान रखना कि पूरे टेक्स्ट को खुद से एक बारी फटाफट पढ़ जरूर लेना, ठीक है, कि अगर आपको लगे कि मैंने कुछ छोड़ा है तो वो गलती फिर आपसे ना हो और फिर आप उस चीज को पढ़ सको, राइट। तो शुरू करते हैं। ये जो लेटर जो स्कूल बॉयज ने लिखा है अपने टीचर को, तो ये कहते हैं कि डियर मिस, आपको न तो मैं न ही मेरा नाम याद होगा। आपने हम में से बहुत सारे बच्चों को फेल किया है, और वहीं दूसरी ओर मुझे अक्सर आपके दूसरे टीचर्स के और आपका वो इंस्टीट्यूशन जिसे आप स्कूल बोलते हैं और उन लड़कों को जिन्हें आपने फेल किया है उनके ख्याल अक्सर आते ही रहते हैं। आपने हमें फेल किया जिसके कारण हम फील्ड्स यानी कि खेतों में या फैक्ट्रीज में काम करने के लिए मजबूर हो गए, और उसके बाद आप हमें भूल गई। जब हम टेस्ट दिया करते थे उस समय आप हमारे डेस्क की कतारों में आगे पीछे चलती रहती थी, और आप ये देखती थी कि मुझे टेस्ट में परेशानी आ रही है, मैं गलतियां कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। और एकदम ऐसी ही सिचुएशन मेरे घर पर भी है। वहां भी मीलों दूर तक मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, ना कोई बुक ना कोई टेलीफोन। तो जब हम इस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, जहां तक हमने अभी पढ़ा है वहां तक में हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज कि जब भी हम इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हमें ये चीज पता लग रही है कि यहां पे स्टूडेंट बोल रहा है कि मिस आपने हमें फेल किया। सेकेंडली ये बोल रहा है कि मिस आपने हमारी मदद नहीं की, आपने हमारी गलती नहीं सुधारी। यानी कि जो स्टूडेंट है वो कंप्लेन कर रहा है अपने मिस को कि मिस आपने हमें फेल किया, जबकि आपको हमें हेल्प करनी चाहिए थी। आपने हमें फेल किया उस कारण हमारी जिंदगी खराब हुई और हम फील्ड्स के अंदर में या फैक्ट्रीज के अंदर में काम करने के लिए मजबूर हो गए। मिस आपने हमारी गलती नहीं सुधारी, आपको पता था कि हम गलती कर रहे हैं लेकिन आपने हमारी गलती नहीं सुधारी। आपने सिर्फ इस चीज का ध्यान रखा कि मुझे इन्हें मार्क्स देने हैं, मुझे इनकी गलतियां निकालनी है, लेकिन आपने हमारी गलतियां नहीं सुधारी, जिसके कारण हमें आज अपनी जिंदगी के अंदर में या जिसके कारण हम जैसे बच्चों को अपनी जिंदगी के अंदर में परेशानी आती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये यहाँ पे बेसिकली अपने टीचर्स को अक्यूज कर रहा है। अक्यूज कर रहा है यानी कि आरोप लगाना। तो ये बेसिकली अपने टीचर्स को अक्यूज कर रहा है कि आज जो कुछ भी हमारे साथ गलत हुआ है एजुकेशन के अंदर में उसकी जिम्मेवार आप हो, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली लाइन है जो हमने अभी पढ़ी कि
ऐसी सिचुएशन मेरे घर पर भी है, वहां भी मीलों दूर तक मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, ना कोई बुक ना कोई टेलीफोन। ये बता रहा है कि आपने हमारी स्कूल में हेल्प नहीं की और घर पे हमारी हेल्प करने वाला कोई है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किताबें खरीद सके, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम टेलीफोन खरीद सके, और अगर हम टेलीफोन अगर हो भी तो भी क्या फर्क पड़ता है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उन सबकी हालत तो एक ही है, कोई भी अपने आप को इस काबिल नहीं बना पा रहा है कि वो पढ़ सके, तो वो एक दूसरे को फोन करके भी क्या कहेंगे। ये तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली क्या है कि उनके पास फोन ही नहीं है, तो जब फोन ही नहीं है, उनके पास किताबें ही नहीं है, उनके माँ बाप पढ़े लिखे ही नहीं है, उनके रिश्तेदार पढ़े लिखे ही नहीं है, तो उनकी हेल्प हो ही नहीं सकती घर पे। और सेकेंडली स्कूल के अंदर में उनकी हेल्प कर नहीं रहे हैं जिनको स्कूल में उनकी हेल्प करने का ठेका दिया गया है, जिनकी जिम्मेवारी है, तो ये चीज वहां पे कह रहे हैं। इसके आगे लेटर में लिखा है कि कैसे उसके घर में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं पढ़ने के लिए, जो कि वो स्कूल में एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके सामने मुश्किलें आई। वो लिखते हैं कि अब मैं स्कूल में हूं, यहां मैं बहुत दूर से पढ़ने आया हूं, यहां मुझे अपनी जो माँ है उनसे कोई डील नहीं करना पड़ता, जो कि मुझे बार बार प्रॉमिस करती है कि जब तू पढ़ रहा होगा तो मैं चुपचाप रहूंगी, लेकिन फिर भी 100 बार मुझे इंटरप्ट करती हैं। यहां मुझे अपनी सिस्टर के छोटे से बच्चे से डील नहीं करना होगा, जो कि होमवर्क करने के लिए मेरी मदद मांगता रहता है, ठीक है, यहां साइलेंस है, अच्छी लाइट है, डेस्क भी है, और ये सारी चीजें मेरे लिए है, मुझसे थोड़ी दूर पर हमेशा आप भी खड़ी रहती हैं और आप ये सब बातें अच्छी तरह से जानती भी हैं। आपको मेरी हेल्प करने के लिए पैसे मिलते हैं, आपको मेरी हेल्प करने के लिए पे किया जाता है, और आप मेरी मदद करने की जगह हमेशा मुझ पर नजर बनाए रखती हैं जैसे कि मैं कोई चोर हूं। तो जब इस जहां तक जो अभी हमने पढ़ा उसके अंदर में जब आप टेक्स्ट के अंदर में देखोगे तो आपको स्कूल जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में मिलेगा। इसके अंदर मतलब कि बच्चे कह रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन, वो बिल्डिंग जिसे आप स्कूल बोल रहे हो, क्या वो हकीकत में स्कूल भी है? और ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि स्कूल का एक पर्पस है कि बच्चों में नॉलेज इंपार्ट किया जाए, लेकिन क्योंकि आप वो चीज नहीं कर रहे हो तो हमारे लिए तो एक ये क्वेश्चन है कि ये सच में स्कूल है या एक ऐसी एक कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर में हम जाते हैं, जिसे आप हमें बताती हो कि ये एक स्कूल है, ठीक है। ये बच्चों की कंप्लेंट है, ये उनका दुख है जो वो बता रहे हैं कि जिस बिल्डिंग को आप स्कूल बोलते हो क्या वो सच में स्कूल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में लिखा हुआ है कि मुझे घर के अंदर इतनी सारी दिक्कतें हैं क्योंकि घर के अंदर मुझे काम करने पड़ते हैं, हम गरीब घरों से हैं, हमारे पास सर्वेंट्स नहीं है, हमारे पास काम करने वाले एड नहीं है, तो हमें खुद के काम खुद करने पड़ते हैं, हमारी मदर्स को हेल्प चाहिए होती है, हमारे सिस्टर को हेल्प चाहिए होती है, हमारे फादर को हमसे हेल्प चाहिए होती है, हमें मार्केट जाना होता है, बहुत सारी चीजें करनी होती है, तो हम वहां पे तो नहीं कर सकते और यहाँ पे आप हेल्प नहीं करते हमारी, आप बस क्या करती हो, आप बस एक पुलिसिंग का काम करती हो, आप बस ये देखते हमारे ऊपर नजर बना के रखती हो कि हम चुपचाप बैठे रहे, हम कहीं इधर उधर ना जाएं जैसे कि हम चोर हो, तो ये इसके अंदर में कह रहा है। उसके बाद वो कहता है कि आप लोगों के बारे में हमसे भी कम समझती हैं, मतलब कि हम लोगों के नेचर को जितना समझते हैं उतना तो आप लोग यानी कि ये जो टीचर्स हो आप या जिन लोगों को आप फेवर करते हो वो लोग भी नहीं समझते, बिकॉज आप लोगों के कॉन्टेक्ट में ही नहीं आते। आप अपने बिल्डिंग के लोगों को इग्नोर करने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हो, आप बसेस में ट्रेवल करने वाले लोगों को इग्नोर करने के लिए पर्सनल कार का इस्तेमाल करते हो, और बाकी के लोगों के घर ना जाना पड़े इसलिए अगर आपको उनसे कोई काम पड़े या उन्हें कोई बात बतानी हो तो उनसे पर्सनली मिलने की जगह, उन्हें फेस टू फेस बताने की जगह उन्हें इग्नोर करने के लिए आप टेलीफोन्स का इस्तेमाल करते हो। मतलब कि आपका आम लोगों के साथ कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, उनके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो जब आप उन लोगों से मिलते ही नहीं हो, आपका उनके साथ कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, तो आपको उनके बारे में पता कहां से होगा। वही हमें देख लीजिए, हमें सब कुछ के बारे में पता है क्योंकि हम लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो वो टीचर्स को बोल रहा है कि आप लोग ए सोशल लोग हो, आपको मतलब ही नहीं है कि लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, लोगों के बारे में जानने की आपको इच्छा नहीं है, आप सिर्फ सेल्फिश लोगों की तरह अपने लिए सोचते हो, अपने लिए जीते हो, अपने कंफर्ट में रहते हो। फिर आगे क्या बोलता है कि आई डोंट नो अबाउट यू, बट आपके स्टूडेंट्स जो कि रिच हैं, इंटेलिजेंट हैं, जिनको सिजेरो जैसे बड़े फिलोसोफर स्कॉलर्स आदि के बारे में पता है,
उनसे मैं पूछता हूँ कि वो कितने परिवारों को नज़दीकी से जानते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके किचन में वो आज तक गए हैं, आज तक वो कितने बीमार लोगों के लिए उनके साथ सारी रात जगे हैं, कितने डेड बॉडीज को उन्होंने अपने कंधों पर उठाया है, या ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको वो उस वक्त ट्रस्ट कर सकते हैं जब वो बहुत परेशानी में हो। उसके बाद वो क्या बोलता है कि आपकी खिड़की के नीचे हजारों गाड़ियों का शोर होता है, पर आपको आइडिया भी नहीं है कि उनमें से एक गाड़ी भी किसकी है या वो कहाँ जा रही है। पर मैं आपको अपनी वैली के मीलों दूर भी अगर कोई आवाज हो तो उसे पहचान लेता हूं। अगर आप चाहो तो मैं आपको अपनी वैली के सैकड़ों लोगों, दर्जनों फैमिलीज और उनके रिलेटिव्स और उनके पर्सनल रिलेशन के बारे में सब कुछ बता सकता हूं। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या कर रहा है ना, वो रिच क्लास और एजुकेटेड, रिच क्लास या एजुकेटेड क्लास जो है, या जो प्रोफेशनल क्लास है, और जो पीजेंट की क्लास या लेबर्स की क्लास या वर्कर्स की क्लास है, जिनको बेसिकली पुअर कहा गया है इसके अंदर में, तो बता रहा है कि किस तरीके से ये लोग सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, इनको लोगों की फिक्र है, लोगों से मिलना जुलना पसंद है, जबकि ये लोग सेल्फिश हैं, लोगों से नहीं मिलना जुलना चाहते, लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं रखते, इंटरेक्शन नहीं करते, तो ये लोग ए सोशल लोग हैं, राइट। ये चीज़ इसके अंदर में बताने की कोशिश की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं कि जब कभी भी आप किसी वर्कर से बात करते हो, आप बिल्कुल ही अच्छे से उसे कुछ नहीं समझा पाते हो, आपके वर्ड्स, आपके टोन, आपके जोक, ये सब उनको कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअली क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है ना कि उन लोगों को कॉमन मैन से वो इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि उनसे बात क्या करनी है, उन्हें क्या सुनना पसंद है, या वो किस टाइप के जोक समझते हैं, वो किस टाइप के टोन में बात करते हैं, है ना। क्योंकि एक एक्सेंट की भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, अभी कभी आप ऐसे देखना कि प्रॉपर पॉश एरिया के जो लोग होते हैं उनका एक्सेंट और जो गांव के लोग होते हैं उनका एक्सेंट, दोनों में इतना फर्क होता है कि उनके वाइफ्स ही नहीं आपस में मैच होती, और जब वाइफ्स नहीं मैच होती हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन का तो सवाल ही नहीं होता है, राइट। तो ये चीज होता है। तो आगे लिखता है कि पर मैं आप, तो जैसे कि उसने कहा कि जब कभी भी आप किसी वर्कर से बात करते हो, आप बिल्कुल अच्छे से उसे कुछ नहीं समझा पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उससे बात कैसे करनी है। पर मैं आपको उस समय भी ये बात बता सकता हूं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है जब वो कुछ नहीं भी बोल रहे हो। मुझे पता है कि वो क्या सोचते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, और ये सारी बातें मैं आपको तब भी बता सकता हूं जब वो आपके मुंह पे कुछ और बोल रहे हो, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि उनके दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है, राइट। ये कह रहा है इसी तरह का कल्चर तो आपके, आगे लिखता है कि इसी तरह का कल्चर तो आपके पोइट्स ने भी आपको दिया है कि हमें ह्यूमन नेचर को समझना चाहिए, हमें ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, और ये सारी जो चीजें हैं ये तो 9/10 ऑफ द अर्थ का कल्चर है, यानी कि हर 10 लोगों में से 9 लोगों का ये कल्चर है। लेकिन आज तक इस कल्चर को ना ही कोई वर्ड्स में या पिक्चर में या फिल्म के जरिए बता पाया है, राइट। इसके बाद जो लेटर है इसके अंदर में वो एक एग्जाम्पल कोट करता है जो कि जिम्नास्टिक एग्जाम से रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड कंप्लेन करते हुए वो कहता है कि जिम्नास्टिक एग्जाम के समय उनके टीचर ने उनकी तरफ से कहता है कि जिम्नास्टिक एग्जाम के समय उसके टीचर ने उसकी तरफ एक बॉल फेंकी और बोला प्ले बास्केटबॉल, पर हमें तो बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता था। और जब टीचर ने ये देखा तो उसे ऐसा लगा जैसा कि मैंने कोई कंटेम्प्ट कर दिया हो, ठीक है, और उसने सामने से आके कहा माई पुअर चिल्ड्रन, यानी कि उसने उनके लिए एक सिंपथी दिखाई, उसको लगा कि बेचारे बच्चे, इनको बास्केटबॉल खेलना भी नहीं आता, मतलब क्या चीज है, कितने नालायक बच्चे हैं ये कि इनको बास्केटबॉल खेलना भी नहीं आता, क्योंकि रिच लोगों को तो आता था। और वो जो टीचर है वो इस चीज को लेकर के इतना ज्यादा कॉन्शियस है कि जो ये लाइन लिखी हुई है उसके अंदर में कि द अबिलिटी टू हैंडल अ कन्वेंशनल रिचुअल सीम्ड सो वाइटल टू हिम। कन्वेंशनल रिचुअल यानी कि वो रिचुअल, वो रीति रिवाज जो पीछे से चलता आ रहा है, ठीक है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। और यहाँ पे ये बेसिकली किस चीज को कहा गया है, वो जो बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल या एथलेटिक्स, ऐसे गेम्स को जो कि रिच लोग खेलते हैं, जिसे रिच लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो इन सब चीजों को ही फिजिकल एजुकेशन के अंदर में मानने के लिए वो इतना ज्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है वो टीचर, या इन सब चीजों में इतना वो फंसा हुआ है कि वो इसके बाहर की गेम्स को इसके अंदर में कंसिडर ही नहीं करता। उसके लिए फिजिकल एजुकेशन में अच्छा कौन है,
फिजिकली फिट कौन है जो कि बास्केटबॉल जैसी गेम खेल सकता है, ठीक है। तो उसने अपने प्रिंसिपल से क्या कहा कि इन बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन का कोई एग्जाम नहीं दिया है इस बार, और हम इनका एग्जाम अगले सेमेस्टर में ऑटम में, मतलब इसमें ऑटम लिखा हुआ है यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर में फिर से लेंगे। मतलब कि वो ये कह रहा है कि हम फिजिकल एजुकेशन के अंदर में अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में अच्छे कौन है जो कि ये बास्केटबॉल टाइप्स गेम खेल सकते हो, जिन गेम्स को अफोर्ड ही सिर्फ, या इन गेम को सीखना भी अफोर्ड सिर्फ रिच जो स्टूडेंट है वो कर सकते हो। फिर आगे लिखते हैं लेटर के अंदर में, ये लिखते हैं कि जबकि हम में से कोई भी आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकता है, उस पर चढ़कर हम बहुत सारी टहनियां अपने हाथों से कुल्हाड़ी की हेल्प से काट सकते हैं और फिर उन लकड़ियों को उठाकर बर्फीली पहाड़ी, मतलब इतनी मुश्किल सिचुएशन में दूर से खींचते हुए अपने मदर के डोर स्टेप पे यानी अपने घर पे लेकर जाके पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों के लिए हम फिजिकल एजुकेशन में अच्छे नहीं हैं, इन लोगों के लिए वो फिजिकल एजुकेशन में अच्छे हैं जो कि बास्केटबॉल जैसी गेम खेल लेते हैं, जो कि इन कामों से कहीं ज्यादा आसान काम है, ठीक है। फिर आगे ये लिखते हैं, तो ये बेसिकली ना इस चीज को बता रहे हैं कि किस तरीके से ये टीचर जो है वो किस तरीके से बायसनेस दिखा रहे हैं, या इन टीचर्स का मकसद क्या है। इन टीचर्स का मकसद इसलिए नहीं है, जैसे फिजिकल एजुकेशन के टीचर का मकसद ये नहीं कि बच्चा फिजिकली फिट हो, इनका मकसद ये है कि जो गेम्स हमने आपको बताई है या जो गेम अपर क्लास के लोग खेलते हैं उन गेम्स को आप खेल पा रहे हो कि नहीं खेल पा रहे हो। तो फिजिकल एजुकेशन का मतलब इनका फिजिकल फिटनेस से नहीं है, बल्कि उस एक बाउंड्री के अंदर में फिट होने से है जो कि उन गेम्स की है जो कि एक रिच क्लास खेलती है। फिर आगे लिखते हैं ये कि मैंने एक बच्चे के बारे में सुना है जो कि फ्लोरेंस में रहता है, वो अपने घर में जाने के लिए भी लिफ्ट का इस्तेमाल करता है, पर अगर वही बच्चा जो कि इतनी कम मेहनत करता है वो एक महंगा सा गैजेट खरीद ले, और यहाँ पे महंगा सा गैजेट उस वो जो एक जिम में साइकिल नहीं यूज़ करता जो खड़ी रहती है और उस साइकिल को चलाते हैं उसको रेफर करते हुए कहा है, और उसे चलाते रहे और मेहनत करने का सिर्फ दिखावा करे, तो उसे ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर ए ग्रेड देंगे, ए प्लस ग्रेड देंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली यू पीपल डोंट लुक एट एफर्ट्स और अबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, यू पीपल जस्ट लुक एट द मीन्स विच आर यूज्ड बाय द रिच पीपल्स एंड द एक्टिविटीज दैट द रिच पीपल कैन परफॉर्म, ठीक है। तो ये इस पूरे टेक्स्ट के अंदर में कहा गया है। तो कंक्लूड करने के लिए इस टेक्स्ट को बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर में कुछ कंप्लेंट्स की गई हैं बच्चों द्वारा अपने टीचर को, जो कि ऐसे हैं कि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को फेल करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि स्टूडेंट को सिखाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सेकेंडली, इन सारी चीज़ों के कारण जो स्टूडेंट्स हैं वो खेतों में या फैक्ट्रीज के अंदर में मजदूरी करने के लिए या लेबर का काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसके अलावा इन टीचर्स को पे किया जाता है इनकी हेल्प करने के लिए, बट दे डोंट हेल्प द स्टूडेंट, इंस्टेड हेल्प करने की जगह सिर्फ उनकी गलतियां निकालते हैं और उनको मार्क्स देने का काम करते हैं और पुलिसिंग का काम करते हैं, नजर रखने का काम करते हैं। थर्डली, कि ये जो टीचर्स हैं ये खुद इन कॉमन लोगों के बारे में नहीं जानते क्योंकि उनका उनसे इंटरेक्शन ही नहीं है। तो जब ये इनके बारे में जानते ही नहीं है तो वो 6-6 घंटा 8-8 घंटा इनको पढ़ा कैसे सकते हैं, है ना, क्योंकि वो भी तो एक उसके अंदर तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो मैं उस तरीके से बताऊँगा जिस तरीके से आपको चीज़ समझ लगे, लेकिन अगर मुझे आप पता ही नहीं है कि जिसको मैं बता रहा हूँ वो किस तरीके से चीज़ समझता है तो फिर मैं कैसे उसको प्रॉपरली कन्वे कैसे कर पाऊँगा। उसके बाद और कंप्लेन क्या की है कि जो टीचर्स हैं वो रिच स्टूडेंट्स को फेवर करते हैं, ये जो टीचर्स हैं वो रियल एबिलिटी को नहीं देखते जैसे फिजिकल एजुकेशन के टीचर ने किया था, बल्कि ये देखते हैं कि जो रिच क्लास है उनके साथ किस तरीके से कंफर्म कर पा रहे हैं अपने काम को जो पुअर स्टूडेंट्स, यानी कि पुअर स्टूडेंट्स रिच क्लास के साथ मैच कर पा रही है कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये नालायक है, ये इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये पास है, ये फेल है, ये वाला काम है। उसके अलावा ये इन टोटल यही कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एजुकेशनल सिस्टम है इसके अंदर क्लास बायस है, ये पूरा का पूरा एजुकेशनल सिस्टम गरीब बच्चों के अगेंस्ट है, इसके अंदर में रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है, ये है इसके अंदर में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से, ये तो हो गया पूरा का पूरा टेक्स्ट, अब लास्ट वाला पोर्शन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से
क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर में इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसके अंदर कोई कैरेक्टर स्केच तो हमको मिला नहीं, तो कैरेक्टर स्केच वाला क्वेश्चन आएगा नहीं। उसके अलावा इसमें थीम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मोर और लेस बहुत कम चांसेस है थीम के ऊपर आने के लिए क्वेश्चन। लेकिन अगर आया भी तो आप इसके अंदर में थीम ये मेंशन कर देना कि इसके अंदर में थीम बनाया गया है एक क्लास बायस को, जो कि एजुकेशनल सिस्टम के अंदर में है। ठीक है, यही मेजर थीम इसकी यही है कि क्लास बायस जो एजुकेशनल सिस्टम के अंदर में इटली के अंदर है थी उस समय, बेसिकली उस चीज को थीम बनाया गया है। और इसके सब थीम में आप ये डाल सकते हो कि स्टूडेंट्स का एंगर है इस एजुकेशनल सिस्टम के खिलाफ, ये चीज आप डाल सकते हो इसके सब थीम के अंदर में। तो ये दो थीम्स इसके अंदर में नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो जो बाकी बचा वो ये कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इसके अंदर में, जैसे कि पिछले साल के क्वेश्चन के अंदर में, पिछले साल के पेपर्स के अंदर में पूछा गया है। तो ये आपको अब आपको स्क्रीन के ऊपर में ये दिखेगा, आप इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। और बस इस वीडियो के अंदर में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बेसिकली दो ही चीज़ हो सकता है, आपको वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक का बटन दबाएं और कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता लगे कि हमें क्या इसके अंदर में और ऐड करना है। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम बैठे बैठे अंदाजा लगा के अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप कमेंट जरूर करेंगे वीडियो के नीचे और अपने सजेशंस जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसके बारे में जरूर लिखेंगे ताकि हम मोटिवेट होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।